ऐसा लगता है कि ये कमबख्त सिर्फ मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने के लिए पैदा हुए हैं। ये प्यारे कहाँ हैं? बब्बन, हांसा दो पराठे और दो ऑमलेट ले मलाई। ओहो, ख्वाब में ये अय्याशियां चल रही हैं। ए बब्बन, उठ। अरे अम्मा, तुम कब से खान साहब के पास काम करना शुरू हो गई हो? बकवास बंद कर, प्यारे कहाँ हैं? अरे अम्मा प्यारे, ये अरे अम्मा प्यारे कहाँ हैं? मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरा सवाल मेरे ही मुंह पे दे मार रहा है। अरे अम्मा, अभी तो मेरे साथ ही था, मेरी उससे लड़ाई हुई तो मैंने उससे जरा फाइटिंग करके उसको यहाँ से भगा के तो अंडा पराठा मलाई मंगाया था। हाय हाय, तूने कमबख्त, कहीं उसे सचमुच तो लात नहीं मार दी? अरे अम्मा, मैं उसको कैसे ला, मेरे को अम्मा कैसी आवाजें निकाल लियो? वहां से निकल रही है मेरा बच्चा। अरे प्यारे, तू जमीन पे क्यों पड़ा हुआ है? अरे अम्मा, हम तो सो रहे थे और ये हमारी कमर क्यों दुखना शुरू हो गई? अरे इस कमबख्त ने तुझे दौलती मारी। अरे अम्मा, मेरे को गजा दौड़ी जो दौलती मारूंगा, मैं इसी फिलाइंग कट मारता हूँ ब्रूस ली। ए चूस ली, तुम्हारी टांग उठती भी है? बात सुनो, तुम लोगों का बाप कहाँ है? अम्मा अभी तुम कह रही थी प्यारी गए, अब तुम कह रही तुम्हारे बाप का है? बात तो सुन ले पूरी, सुबह से नजर नहीं आ रहा वो है। और ये जो खजूर की गुटली हमारे घर में घूमती है, कौन है? उसी की बात कर रही हूँ। पता नहीं वजीर कहाँ है सुबह से। अम्मा सुबह मतलब कब से आप कह रही? अरे छोड़ो भाई, आप तो परेशान नहीं हो रही? बहुत खुश हो रही उस खबर पे? भाई वजीर के लिए मैं इतना ही परेशान हो सकती हूँ बस। अच्छा तो आप बता रही थी कि अब्बा लापता हो गए हैं? हाँ, जब से मैं उठी हूँ दिख ही नहीं रहा वो कहाँ है। और आप उठी कब से हो? अभी 10 मिनट पहले। लो तो 10 मिनट में इतना शोर मचा दिया तुमने। बकवास बंद करो, जाके ढूंढो कहाँ है वो। अरे अम्मा कहाँ हो गया, जरा मुंह तो धो लेने दो। अबे प्यारे छोड़ना, 6 दिन से वैसे ही नहीं धोया, 1 दिन और करके पूरा हफ्ता करना यार। हाँ ये भी है, कंटिन्यूटी भी कोई चीज होती है। अरे उठो जल्दी करो, जाके ढूंढो उसे। समझ नहीं आ रहा कमर क्यों दुख रही है हमारी। अरे प्यारे परेशान ना हुआ कर यार, हमारा गद्दा जो है ना वो स्पिंग रिंग है, ऐसे स्पिंग रिंग टूटता है ना तो भैया करके लगता है। अरे दुख रहा है ज्यादा। हाँ कोई परेशान की बात नहीं है। आइए वजीर सुबह सुबह कहाँ चला गया? प्यारे लगता है अपना स्टाफ आ गया। हाँ एक काम करते हैं, लगा तो यहाँ भी हाजिरी दे देते, क्या पता अब्बा के बारे में कुछ यहीं से पता चल जाए। हाँ वैसे भी अब्बा अक्सर यहीं से दरामद होता है। ए दरामद नहीं बरामद होता बावले। आइए। आओ जाहिलो, दरवाजे पे खटखटाना भी एक चीज होती है। अरे नौसी, हमारा आपका क्या पर्दा भाई? बकवास मत करो, क्यों आए हो? गुड मॉर्निंग नौसी। हाँ गुड मॉर्निंग। आई लव यू मौसी। एक थप्पड़ मारूंगी ना उल्टे हाथ का। अच्छा उसने आपको गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है मेरे आई लव यू पे आपको मौत आ रही है। हाँ आप इनको बिल्कुल कबूल नहीं हो। क्यों आए हो यहाँ सुबह सुबह? नौसी आपने अब्बा को देखा है? अल्लाह ना करे। नौसी अब मजाक नहीं कर रही। मैं भी मजाक नहीं करी बब्बन। अरे अब्बा लापता हो गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो कम हुआ। अरे बात तो खुशी की है लेकिन अम्मा जरा परेशान चल रही है। जाहिर है तुम्हारी माँ का नौकर जो गायब हो गया, एक काम करो जाके उसको ढूंढ लो। नौसी आपको ऐसे सजेशन दे कि हम कहाँ ढूंढ लो? मशवरा मांग रहे हैं। हाँ तो एक काम करो, यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, सड़क पे देखो, नाले पे देखो, बाजार में देखो, लेकिन यहाँ चले जाओ। चलो ये ठीक है, हम जा रहे हैं। नौसी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अब्बा को लेकर वापस आइए। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। सी यू। सुन नहीं 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 ऐसे कितना कमाल हो जाएगा ना यार, बाप गायब हो गया, बेटे भी जाए, अल्लाह करे ये भी खो जाए, और करम को तो मैं इसकी चोटी से पकड़ के यूं घर से बाहर निकाल दूंगी और पूरे घर पे कब्जा कर लूंगी, पूरा घर मेरा। वानोशी अरे तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हुए हो? अम्मा जब नजर आ रहा है तो पूछ क्यों रही हो? तुम लोगों से कोई काम कहा था ना मैंने? अरे अम्मा पहले अब्बा को ढूंढ ले फिर काम भी कर लेंगे यार। अरे वही कह रही हूँ, वही काम कहा था, क्या किया तुम लोगों ने? वो हम उनके लिए लिख रहे हैं ना, वो इश्तेहार होता है ना, कौन सा होता है इश्तेहार? हाँ वो गुमशुदगी का लिख रहे हैं इश्तेहार। तो क्या लिखा है? अभी समझ नहीं आ रहा अम्मा क्या लिखे। आप हेल्प करो ना, बताओ। लिखो लिखो। एक आदमी, एक तकरीबन आदमी, नहीं नहीं एक बाप, एक बाप ये अम्मा बोलती है, जिसकी उम्र पाकिस्तान से 2-3 साल छोटी, तकरीबन फोर्थ, तकरीबन फोर्थ, वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। पागल ही बोल दो, मैं शर्मा के रही हो, तो इतने साल हो गए। अच्छा दिमागी तौर पे माजूर है, पागल है, पागल और माजूर है। अच्छा 2-3 दिन से लापता है। 2-3 दिन से हमारी जिंदगी में सुकून है। वो जिस लड़की को देखता है बस उसके पीछे पड़ जाता है। लड़की थरकी, आसान है ये थरकी, ठीक है। तो जिस किसी को भी मिले, जिस किसी को भी मिले वो उसे डाकखाने में जमा करा दे। पहले वो 2-3 बार नहाए, फिर उसको एवे लप में डाल के डाकखाने में जमा कराए। एवे लप में डाल के
डाकखाने में जमा करा दे। लेकिन अम्मा हमें लगता है कि डाकखाने वाले भी अब्बा को नहीं रखेंगे। अरे बकवास बंद करो, ये पर्चा जाके गली गली में बांट दो। अम्मा ये एक पर्चा गली गली में कैसे बांटे, पागल समझावे क्या हमें? बेवकूफ कहीं के, वो करवाओ ना वो फोटोकॉपी एजेंसी जो होती है। अरे एजेंसी नहीं अम्मा, फोटो स्टेट कहलाती है। कहाँ हो गया तुम? तो मैं कौन सी BLLBMA हूँ? BLLBMA बात ही खत्म कर दी, सारे पढ़े लिखे माशाल्लाह हमारे खानदान में। चलो ज्यादा बकवास नहीं करो, जल्दी करो। चल प्यारे, कोई फिक्र ही नहीं है बाप की। वैसे सुकून कितना है वजीर घर में नहीं है। आप अपन भैया आप चलो चल के फोटो स्टेट करवाए, आ जाओ। अरे बबन भाई, हम एक बात सोच रहे थे। लो भाई सवाल शुरू हो गए आपके यहाँ। अरे छोड़ो, ये बताओ कि फोटो स्टेट करवाओगे कैसे? बहुत आसान है, मशीन से। अरे वाह मशीन से। अरे भाई ले, पैसे कौन देगा? तू देगा, तेरा बाप है। अच्छा तुम्हारा मामू लगता है, तुम्हारा भी तो बाप ही लगता है वो। हाँ बाप तो मेरा भी लगता है। अब ये क्या है? अरे अब्बा जैसा कौन है? अबे अब्बा जैसा नहीं, अब्बा ये चला चल के देखे। अरे हेलो अब्बा, अब्बा उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उठ जाओ। अब्बा अबे लग रहा है फोत हो गई है, सांस चेक करने पर, वरना अम्मा की जाके चूड़ियां तोड़ देते हैं। अबे अम्मा की चूड़ियां कहां से तोड़ेंगे, वैसे भी जिंदा ही लग रहा है, पेट हिल रहा है जो थोड़ा बहुत है। उठा इसको, उठा, उठाए हाथ लगा देगा। ये लो। अबे मुझे उसको हाथ लगा यार। ये लो। यार मेरा कहने का मतलब उसको गोद में उठा था कि उसको अंदर लेके जाए। अच्छा ये इधर रख दो। हेलो भाई जान, उठो गोद में आ जाओ। हेलो, अरे नहीं आ रहा भाई, ये पकड़ो, ये पकड़ो। अरे बाप रे, अरे अरे कौन कहता है ये कमजोर है, उठा भाई। अबे बनियान में पत्थर है, इस वजह से भारी लग रहे। चलो अरे उठवा भाई। अरे मास आजा, मेरा पेट आजा, मेरा गुड आजा, माँ डग गई मेरी माँ जी। माँ सज के ओले ले ले, मेरा बच्चा ओले ले, मेरी बेटी ओले ले, मेरी गुड्डी ओले ले, मेरा मानो ओले ले, मेरा कुत्ता ओले ले ले, मेरा बच्चू ओले ले, मेरा अब्बू। अरे अरे ये कहाँ से मिला? अम्मा तुम पता नहीं इसको गागा ढूंढ रही थी। अरे आपने तो देखा ही नहीं, बाहर लॉन में बेहोश पड़े हुए थे ये। लॉन में? हाँ देखो जरा। हाँ हाँ देखो देखो। वजीर, ए वजीर। खारा? अरे शुक्र है दिमाग काम कर रहा है। ए तुम लॉन में क्या कर रहे थे भाई? अरे हम तो कल रात से वहीं पड़े, तुम लोगों को होश भी है? अरे तो लॉन में क्यों मरने गए थे? अरे खारा हमका रात को कुछ अजीब सी आवाज आई तो हम इसलिए वहां गए थे। आवाज? कैसी आवाज? अरे हम गए, हम डर गए, हमने देखा हमारे घर के ऊपर एक जहाज जैसी चीज खड़ी है। लो भाई, अम्मा अब्बा अभी तक ना एयरहोस्टेस के चक्रों में लगा हुआ है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन हमने जब बाहर जाकर देखा तो लगा कि वो जहाज हमारे ऊपर ही रखा हुआ है। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? अरे फिर उसमें से अजीब सी आवाजें भी आ रही थी और तेज रोशनी निकली और वो हम पर पड़ी, हम डर गए और बेहोश हो गए। अरे कमबख्त, ऐसी कौन से डरने वाली बात थी, फिर क्या हुआ? अरे फिर हम क्या बताएं कि उसमें कोई अजीब सी मखलूक थी, वो जहाज में सवार थी। अब्बा बात सुनो, अगर तो ये बच्चों की कहानी है ना, तो ये जो तुम्हारे साथ करेगा वो हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकेंगे। अरे नहीं, अरे हम सच कह रहे हैं, वो कोई आम जहाज नहीं था। अच्छा तो फिर क्या था, क्या था? अरे खरन वो कोई दूसरी दुनिया की मखलूक थी जो उसमें सवार थी। अम्मा ये पागल बना रहे, ये बाहर किसी और चक्रों में जाता है, फिर ना गर्मी के मारे इसकी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, बेहोश हो जाती है और फिर ये कहानियां बनाता है। यकीन कर लो हमारी बात का, हम अब अपना सर काट कर तो नहीं रख सकते तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए। देखो वजीर, तुम्हारी बात और गधे की लात बराबर होती है। चल प्यारे चल के नाश्ता करते हैं। लानत तुम्हारे मुंह पे। चलो बहुत टाइम ज़ाया कर दिया तुम्हारे शौहर ने, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। आओ चलो तहकीक करो वो क्या था, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। अरे तुम लोगों को नाश्ते की पड़ी? अरे कोई हमारी बात का यकीन नहीं कर रहा, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है वजीर, ये हमें लग रहा है, ये हमारा दिल कह रहा है। अल्लाह मियां कुछ गड़बड़ होने वाली है। एनोशी बात सुन, ये बिजली के महकमे में तेरी कोई जान पहचान है क्या?
मेरी नहीं तो क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी, कभी नीचे बैठी हुई टीवी देख रही होती है, कभी ऊपर, तो शायद बिल में भी कोई कमी करवा दे। देखो खैरन, ये तुम फालतू सा तंज ना मुझे वैसे भी मार सकती थी, घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, घुमा फिरा के मारने में तो मजा आता है तुझे। माफ कर दो खैरन, तुम और मुझे मारोगी, बड़ी आई। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा शोहर मिल गया या सारी जिंदगी अकेले ही गुजरेगी? तुम्हारे मुंह में खाक। अजीब सी बात हो गई है वजीर के साथ। अच्छा, वजीर से भी ज्यादा अजीब बात? अरे भाई, सारी रात बाहर लॉन में पड़ा हुआ था बेहोश। क्यों? तुम्हें बगैर मेकअप के देख लिया होगा ना। हाँ, तू तो बड़ी महविश हयात लगती है ना मेकअप के साथ। अपने बेटों से पूछ लो क्यों मरते हैं मुझको। वो तो अंधे। बात सुन, वजीर बता रहा था कि हमारे छत के ऊपर ना जहाज नुमा कोई चीज उड़ के जा रही थी। तो क्या, उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी, वो वजीर पे पड़ी और वजीर वहीं बेहोश हो गया। हैं? ये बात तो बड़ी सीरियस लग रही है खैरन, लेकिन वजीर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अरे नहीं, वजीर बहुत डरा हुआ था, फिलहाल तो हमने बात टाल दी। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तानी मुतवज्जा हूँ, पाकिस्तान पर किसी आसमानी मखलूक ने हमला कर दिया है। ये देख ये भी यही कह रहा है। वो कोई खलाई मखलूक है और लोगों को मार रहे हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि सब अपने घरों में रहें, जब तक इस अनजानी मखलूक पर काबू ना पा लिया जाए। शुक्रिया। अरे वजीर बिल्कुल सही कह रहा था भाई। हाँ खैरन, बात तो बिल्कुल सच लग रही है, और अब तो वो हमारे घर की छत तक भी पहुँच गए, अब हम क्या करेंगे? अब घर में ही रहेंगे और क्या करेंगे। नहीं खैरन, अगर वो घर में अंदर घुसा है तो मेरे ख्याल से हमें उनके मुकाबले के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे? मैंने प्यारे बब्बन ने एक फिल्म देखी थी, बिल्कुल उस फिल्म के जैसे हीरोज बनना पड़ेगा मैं मुकाबला करने के लिए। अरे हीरोज और हम? हाँ बन जाएंगे, तुम मेरे साथ आओ ना। कहाँ? अरे आओ बताती हूँ, चलो 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 मेरे साथ चलो। ये क्या टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मारी हो? अरे ये लकीरें नहीं है, ये हमारे घर का नक्शा है। देखो ये दो जगह है ना, ये दरवाजा है, ये दूसरा दरवाजा है ना, इस दरवाजे से आते हैं, इस दरवाजे से जाते हैं, तो इस दरवाजे पे पहरा देगा प्यारे, और इस दरवाजे पे पहरा देगा बब्बर। वाह, और वो वजीर क्या करेगा? वजीर तोड़ने वाला आदमी है ना, वो तो छत पे रहेगा, वहाँ से देखेगा सबको। देख लो खैरन, कहीं ऐसे ना हो कि चील उठा के ले जाए तुम्हारी जौहर को। ऐसे ही चील उठा के रह जाएगी, ऐसे यूं करके ना बिजलियाँ हाथों से निकालेगा, सारी चीलें जल के भस्म हो जाएंगी। वाह बहुत अच्छे, और हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों यहाँ गैलरी में बैठ के मूंगफली खाएंगे। अरे हम यहाँ बैठ के आने जाने वालों पे नजर रखेंगे, समझी? और जो भी आए ना, तू उसे हथौड़ा मार के दूर फेंक देना। हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा हथौड़ा मारेगी ना ये थोर, जिंदगी भर दुश्मन याद रखेगा। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, देखूं बब्बन और प्यारे अपनी ड्यूटियों पे हैं या कहीं और निकल गए, तू बस अपनी आंखें और कान खुले रखना। हाँ हाँ रख लूंगी। ओके नौशी, दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं है। तुझे घर मोड़ने के लिए किसने कहा है बे? जमीन पे चला कर। अच्छा नौशी, यस ओके। अच्छा एक बात बता, खरन तुझे उड़ने के लिए नहीं कहा था, अंदर क्या कर रहा है? अरे वो कहा है ना कि हमका बहुत जोर का बाथरूम आया था, ऊपर बहुत सर्दी है ना, इसलिए बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ओहो कैसा आयरन मैन है भाई तू, तुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं तुझमें। अरे इतना तो बर्दाश्त करते हैं नौशी जी, मगर अब नहीं करेंगे, अब आपको हमसे शादी करनी होगी। क्यों बे, तेरे ऊपर सुर्खाब के पर लग गए क्या? अरे अब हम आयरन मैन बन चुके हैं, बहुत ही ताकतवर इंसान। हो गया तुझे मैं बता, है तो सही है।
करूंगा। ऐसे टहल रहे दुश्मनों से अकेले मुकाबला करूंगा। देखो तुम सब सिपाही हो, मैं तो सिपाही सालार हूँ। मैं प्लानिंग करूंगी, लड़ोगे तुम लोग। वाह भाई वाह खैर, अगर तुम्हारे सिपाही सालार होने लगे ना फौज में, तो फौज तो 5 मिनट में मैदान छोड़कर भाग जाएगी। कोई भी भागा ना तो जान से मार डालूंगी। वैसे दुश्मन के हाथों मरने से तो बेहतर है कि तुम पर चांस ले रहे, तुम्हें संभाल भी लेंगे। देखो इस वक्त लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। वाह भाई वाह, घर में बैठे बैठे मुल्क बचाएंगी, हम घर की हिफाजत कर रहे हैं। अरे तो पहले अपने घर की हिफाजत कर ले पागल, फिर मुल्क के लिए भी लड़ लेंगे। अच्छा ये बताओ बाहर सब ठीक ठाक है? हाँ सब कुछ फिट फाट चल रहा है, बबन और प्यारे अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा आयरन मैन है ना, वो पिछले 1 घंटे से बाथरूम में। कमबख्त कहीं का, आयरन मैन बन के भी नाकारा रहा। ऐसे काम करो करण, अब तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि मुझे करना है आराम, हथौड़े उठाए उठाए मैं थक गई। चलो ठीक है, अब एक काम करना, जब सायरन की आवाज सुनो ना, मतलब मेरी आवाज जब सुनो, तो मैदान जंग में कूद पड़ना, समझ गई? हाँ ठीक। अब मैं जा रही हूँ और आवाज के लिए तैयार। ठीक है तुम कट लो अब। बबन भैया अभी गुस्सा नहीं करना है यार। ओ अच्छा प्यारे, एक बात बता, ये तेरी प्लेट में सालन खा सकती? अरे नहीं नहीं, इसे चावल खा सकते हैं, सालन गिर जाएगा इसमें। हाँ ये तो ठीक है, चल मैं कुछ खा के आया। ए चुपचाप यही खड़े रहो, पेरा देना हमको। हाँ पेरा देना है, वैसे मैंने पिछली बार भी 2 पेरे दिए थे, दोस्त वापिस नहीं देखे गए यार। बावले सिक्योरिटी देनी, सिक्योरिटी। ओ अच्छा ये कहा है? ए क्या कर रहे हो, हाथ डरता नहीं है? ए कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना भाई, कौन हो? मैं लोकी हूँ। हाँ तुम लोकी और हम भिंडी है स्मार्ट वाली। और मैं कबूतर। कबूतर नहीं होता, सब्जी। टिंडा टिंडा टिंडा, बकवास मत करो, मैं तुम पाकिस्तानियों को मारने आया हूँ। यारे मेरे को लग रहा है जिराज को जहाज आए थे ना, उसी में आए। हाँ ये तो वो फिल्म वाला विलन है भाई। हाँ वो मेरा ही जहाज था, वो दुबला पतला आदमी का है। ए आराम से बात करो, हमारे अब्बा है वो, क्या काम है उससे? मेरी एक लड़की जहाज की खिड़की से झाँक रही थी और तुम्हारे अब्बा ने उससे आंख मारी थी। भाई अब्बा ने इधर भी कार्रवाई दिखा दी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब अब क्यों नहीं छोड़ूंगा? कोई बात नहीं, हम विन विन ले लेंगे हम। ए चुप कर। अब अम्मा अम्मा मैदर मैदर। अरे क्या हुआ कैप्टन अमेरिकन? अरे अमेरिका छोड़ो भाई, ये देखो अफ्रीका से आया विलन। कौन है ये? थॉर। क्या है, क्यों शोर कर रहे हो? दुश्मन आ गया है, मारो इसको। अरे इसको छोड़ो, बुलाओ ना उसको, हमारा आयरन मैन कहाँ है? आयरन मैन, आयरन मैन। कहाँ मरे हुए थे तुम? तुमको तो मैंने उड़ने के लिए कहा था। अरे हाँ उड़ने ही वाले थे, थक गए थे तो इसलिए बाथरूम में इंतजार कर रहे थे। लो सब पूरे हो गए? हाँ हो गए। चलो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे तू क्या मारेगा हमें? अरे तो हर भुजिया बनाकर खा जाएंगे हम। अवेंजर्स हमला। अबे तू क्या मारेगा हमें? अरे तो हर भुजिया बनाकर खा जाएंगे हम। उनको याद आ गया। उनको याद आ गया। मैंने माफ यार कर दिया, जैसे ही होगा। ये हम फोटोशूट। अबे यार मैं धूप मैनेज कर रहा हूँ, मेरा ध्यान वहाँ लगा हुआ था। वो कहाँ चला गया? वो मैं भी शायद लग रही है। वो आगे बढ़ गया। शुरू होगा तेरे सवाल। तो बोल देना क्या बोल देना। चलो चलो चलो। हाँ हो सकता है।